देश दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है दिवाली, लोग जमकर कर रहे हैं आतिशबाजी। चंडीगढ़ में दिखा शानदार नजारा, सार्वजनिक स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। पीएम मोदी ने देशवासियों को दीपावली की दी शुभकामनाएं, कहा मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। कच्छ में पीएम मोदी ने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने खिलाई मिठाई, जवानों का मुंह मीठा किया। पीएम मोदी ने जवानों को किया संबोधित, कहा मातृभूमि की सेवा का अवसर सौभाग्य से मिलता है, हमारे देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। हमारे सैनिक जोश में जब दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं, देश को हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा, पीएम मोदी का बयान। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर बोले पीएम, हमारी सरकार एक इंच सीमा से भी समझौता नहीं करती। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत हमारा संकल्प, हम सेना को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे, पीएम मोदी का बयान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई दिवाली, दिए जलाकर एक दूसरे को दी बधाई। पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन कैंटोनमेंट में दिवाली मिलन कार्यक्रम, सीएम धामी ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। देशभर में दिवाली की धूम, गोवा के पणजी में दिवाली के अवसर पर नकासुर के पुतले का दहन किया गया। लाडवा के एक वृद्ध आश्रम और बालकुंज गए सीएम नायब सैनी, बुजुर्गों और बच्चों के साथ खुशियां साझा की। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दिवाली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दिवाली के मौके पर अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला का लिया आशीर्वाद। योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर के भी दर्शन पूजन किए, पूजा अर्चना कर बजरंग बली का आशीर्वाद दिया। अयोध्या में सीएम योगी ने महिलाओं को मिठाइयां बांटी, दिवाली की शुभकामनाएं दी। अयोध्या वासियों से सीएम योगी ने की अपील, कहा मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार ने अपना फर्ज निभाया, अब अयोध्या की बारी है। यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने प्रदेशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं, सभी के घरों में खुशहाली आए ऐसी कामना की। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने वीडियो संदेश जारी कर दिवाली की शुभकामनाएं दी, कहा विकसित ओडिशा के निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध, मां लक्ष्मी सभी का भला करें, सभी के घर खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ के सीएम ने की कामना। असम के सीएम हेमंता ने दिवाली और काली पूजा की दी शुभकामनाएं, भारत वर्ष की समृद्धि की कामना की। दिवाली के अवसर पर सीएम मोहन यादव ने की कामना, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव आए। दिवाली के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष आरती हुई, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। झारखंड के बोकारो में पटाखे की दुकान में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अयोध्या में दीपोत्सव प्रोग्राम में नहीं बुलाने पर बोले फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद, बीजेपी ने हार की डर से नहीं बुलाया। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी बोले, अवधेश प्रसाद झूठ ना बोले, उन्हें दीपोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने बनाई नई पार्टी, आप सबकी आवाज रखा गया नाम। आरसीपी सिंह की पार्टी का झंडा आयताकार होगा, उसमें तीन रंग हरा नीला और पीला होगा। आरसीपी सिंह बोले, बिहार विधानसभा में 243 सीटें, हमारी तैयारी 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की। 4 नवंबर को झारखंड में पीएम मोदी करेंगे दो रैलियां, गढ़वा में प्रोग्राम की तैयारियों का सीएम हेमंता ने लिया जायजा। जामताड़ा से सत्यानंद झा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले पर बोले सीएम हेमंता, पार्टी किसी एक व्यक्ति को ही टिकट दे सकती है। सोरेन सरकार, झारखंड की जनता परेशान है, इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार, झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हेमंता का दावा। हेमंता बोले, सीएम सोरेन एक बार कह दें कि वो घुसपैठियों को निकालेंगे, हमारा विवाद खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस में बागियों को मनाने की कवायद तेज, प्रभारी रमेश चेन्नी तला खुद बागियों से कर रहे हैं बात। मुंबई कांग्रेस के पूर्व नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। रवि राजा को मुंबई बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया, मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार ने दी जानकारी। बीजेपी में शामिल होने पर बोले रवि राजा, महायुति के लिए करूंगा चुनाव प्रचार, कांग्रेस में टिकट बंटवारे में भेदभाव हो रहा, हर चुनाव में अलग चुनौतियां होती हैं, लोकसभा चुनाव में अलग माहौल था, विधानसभा चुनाव में अलग है, आशीष शेलार का बयान। मिलिंद देवड़ा वर्ली को अच्छे से जानते, आदित्य ठाकरे तो सिर्फ 5 साल से वर्ली को जानते, आशीष शेलार का बयान। रवि राजा के बीजेपी में शामिल होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस के कई और नेता भी हमारे संपर्क में। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक आर तमिल सेल्वन का बयान, मैं देवेंद्र फडणवीस को नेता नहीं भगवान मानता हूं, वो गलत फैसला ले ही नहीं सकते। मुंबई कांग्रेस चीफ वर्षा गायकवाड़ बोली, रवि राजा जहां भी रहे खुशी से रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। बीजेपी नेता अशोक चौहान ने जताई उम्मीद, भोकर से उनकी बेटी जीतेंगी। 6 नवंबर से महाविकास आघाड़ी के इलेक्शन कैंपेन की होगी शुरुआत, राहुल और उद्धव भी रहेंगे मौजूद, शरद पवार ने दी जानकारी। जनता के बीच हम अपनी विचारधारा और मैनिफेस्टो को लेकर जाएंगे, शरद पवार का बयान। नांदेड़ से कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल सत्तार बोले, महाराष्ट्र की जनता का समर्थन महाविकास आघाड़ी के साथ है। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले बोले, बीजेपी अब ओरिजिनल बीजेपी कहां रह गई है, उसमें कांग्रेस के ज्यादा विधायक नजर आने लगे, पहले की बीजेपी एक अनुशासित और संस्कारी पार्टी थी, अब इसके लोग आपस में ही लड़ रहे, सुप्रिया सुले का बयान।
बारामती से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट योगेंद्र पवार बोले, कभी सोचा नहीं था चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा, पिछले डेढ़ साल में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान का बयान, 4 नवंबर के बाद महायुति टूट जाएगी। रविराज और जयश्री पाटिल के पार्टी के छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ता एकजुट, आरिफ नसीम खान का बयान। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा खत, महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को फिर हटाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी और जेडीएस को गांधी परिवार को खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका, 3 बार के पार्षद और 3 बार के विधायक ब्रह्मा सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल। अरविंद केजरीवाल ने ब्रह्मा सिंह तंवर को दिलाई पार्टी की सदस्यता, 2 बार मेहरौली और 1 बार छतरपुर से रह चुके विधायक, छतरपुर से टिकट दे सकती है। ब्रह्म सिंह तंवर बोले, जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म, मौका मिला तो चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी में मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ी, ब्रह्म सिंह तंवर ने बताई वजह। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन, पीएम मोदी भी हुए शामिल, लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। केवड़िया में बोले पीएम मोदी, बीते 10 साल का कालखंड देश की एकता और अखंडता की उपलब्धियों से भरा रहा। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार के हर काम हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा वो देश को जात पात में बांटने की कोशिश में है, वो नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, देश तोड़ने और बर्बाद करने वालों को पहचानना होगा, क्षम्य लोगों से मुकाबला करना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र को मजबूती देगा, इसको लागू करने के लिए हम काम कर रहे, पीएम मोदी का बयान। कांग्रेस चीफ खड़गे बोले, वन नेशन वन इलेक्शन असंभव बात, इसके लिए पीएम को संसद में सभी को विश्वास में लेना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्रहित में होगा, इस पर कई दलों की सहमति भी, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। जनसुराज श्री प्रशांत किशोर बोले, अगर सही उद्देश्य से वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया गया तो इसमें कोई बुराई नहीं। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल की जयंती पर कुरुक्षेत्र में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन, सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने लौह पुरुष सरदार पटेल को किया नमन, कहा उनके पद चिन्ह सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पटना में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले, इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी लेकिन देश को बंटने नहीं दिया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने सरदार पटेल की जयंती पर बेंगलुरु में पुष्पांजलि अर्पित की, राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। असम के तेजपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास पर विशेष ध्यान दिया। चीन के साथ बनी सहमति पर राजनाथ सिंह का बयान, एलएसी से सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी, पेट्रोलिंग को लेकर भी चीन के साथ बनी सहमति। एलएसी पर जारी रहेगी सेना के ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत, चुशुला और मोल्डो में भारत चीन की सेनाओं ने एक दूसरे को दी मिठाइयां। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने भारतीय एनएसए अजीत डोवाल से की बात, दोनों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रम, द्विपक्षीय साझेदारी पर बात। प्रयागराज कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटों पर आरोप तय किए, बिल्डर से रंगदारी मांगने और उस पर जानलेवा हमले का मामला है। सीएम योगी ने गोरखपुर के वनटांगिया को दी बड़ी सौगात, 185 करोड़ की 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। हमारी सरकार बिना भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, राम राज्य का मतलब यही होता है, सीएम योगी का बयान। ग्वालियर में आज आरएसएस के प्रचारकों की 5 दिवसीय बैठक, 554 प्रचारक बैठक में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापना दिवस पर प्रोग्राम आयोजित, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया बहिष्कार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले पर बोले एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, हर किसी को यह स्वीकार करना होगा। कांग्रेस नेता साहिल शर्मा बोले, जम्मू कश्मीर के लिए आज काला दिन, इतिहास में एक राज्य को कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया, वो देश के अल्पसंख्यकों को संदेश देना चाहती हैं। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर के बीच टक्कर, 6 लोगों की मौत, 5 घायल। यूपी के सीसामऊ में सिलेंडर ब्लास्ट, मौके पर ही एक शख्स की मौत, उसकी पत्नी बुरी तरह से जख्मी। उत्तराखंड के टिहरी में दिखा हिंदू समाज का आक्रोश, नाबालिग लड़की को धर्मांतरण के लिए उकसाने पर फूटा गुस्सा, आक्रोशित लोगों ने दुकानों में की तोड़फोड़, पुलिस ने लोगों को समझाया, आरोपी सलमान समेत 3 गिरफ्तार। एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 9 हाथियों की मौत, 1 का इलाज जारी। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक कांड, गुलामुद्दीन नाम के युवक ने अनीता चौधरी के 6 टुकड़े काटे। मृतका अनीता चौधरी के बेटे का बयान, गुलामुद्दीन को उसकी मां भाई की तरह मानती थी। तमिलनाडु के कुड्डालोर में कई जगहों पर तेज बारिश, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। लेबनान की तरफ से उत्तरी इसराइल में अटैक, 5 लोगों की मौत हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला, न्यूजीलैंड अभी सीरीज में 2 शून्य से आगे। आईपीएल 2025 के प्लेयर्स की रिटेंशन लिस्ट आई सामने, मुंबई इंडियंस ने बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा को किया रिटेन। आरसीबी ने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया, विराट कोहली, यश दयाल और रजत पाटीदार को रिटेन किया।